राम राम भाइयों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब और आपका परिवार अच्छा होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, मैंने आपको बताया था कि WWE कंपनी और टीवी डीलिंग में काफी ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज WWE कंपनी के पास काफी ज्यादा फाइनेंसर्स हैं, यानी कि वॉर्नर ब्रॉस और TNT काफी ज्यादा चैनल्स आ रहे हैं, और जो कि उनके प्रोग्रामिंग को अपने चैनल्स पर दिखाना चाहते हैं, जिससे WWE कंपनी मंडे नाइट रॉ को USA नेटवर्क से हटा के USA नेटवर्क से कहीं और किसी दिन शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इसके कोई भी चांसेस नहीं है। मंडे नाइट रॉ आपको मंडे को देखने को मिलने वाला है, इंडिया में आपको ट्यूजडे को सुबह देखने को मिलता है, जैसे हम देखते ही है। अब मैंने आपको कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट बताई थी कि WWE कंपनी जो है इंडिया में अपने जो कि प्रीमियर लाइव इवेंट्स होते हैं उनको चार्जेस पे देगी, यानी कि हम जो भी लाइव इवेंट्स देखते हैं 10 HD पर या 10 Sport पर, जितने भी चैनल हैं, वो हमें पैसे देने पड़ेंगे उन सब के लिए। एक तो हम अपने DTH का रिचार्ज कराते हैं, मोबाइल में इंटरनेट का रिचार्ज कराते हैं, उसके साथ ही हमें जो उनके लिए पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन बता दूं दोस्तों, इसके बारे में एक कंफर्मेशन रिपोर्ट एक सामने निकल के आई है और एक नई डीलिंग सामने आई है। नंबर वन चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए WWE कंपनी के आप शोज कहाँ देखते हैं? आप या तो सोनी लीफ पर देखते हैं, या फिर आप जो है JioTV यूज करते हैं, या आपने टेलीविजन पर देखते हैं। अगर आप मोबाइल पर देखते हैं तो आप JioTV यूज करते होंगे, लेकिन अगर आप एक OTT की तरह उसको देखते हैं तो आप सोनी लीव की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते होंगे, जो आई थिंक 300 रुपए की महीने में मिलती है, महीना 300 रुपए महीना देना पड़ता है आपको। और या फिर आप जो है टेलीविजन पर देखते हो अपने DTH पर। लेकिन एक और नई चीज सामने आई कि WWE कंपनी जो है इंडिया में अपने डील में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बिकॉज सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास WWE कंपनी के सारे राइट्स हैं, रो के, स्मैकडाउन के सारे, PLEs हो गए, NXT के, और रो, स्मैकडाउन और PLEs तो आपको सारे लाइव देखने को मिलते हैं, बट आई थिंक NXT लाइव नहीं आता, उससे कोई NXT देखता भी कौन है। लेकिन मेन शोज हमारे लाइव आते हैं, और यही आपको सोनी स्पोर्ट्स के OTT पर देखने को मिलते हैं, उनकी एप्लीकेशन पर अगर आप 300 रुपये देकर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और JioTV पर भी देखने को मिलते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, या फिर आप DTH पर देखते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो सेम है इंडिया में, सिर्फ इंडिया की बात करूँगा, इंडिया के बाहर के कंट्रीज की नहीं। अब WWE कंपनी लेटेस्ट Amazon Prime के साथ एक नई डीलिंग साइन कर दी है, और ये डील में क्या होगा दोस्तों, Amazon Prime की आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मान लीजिए Amazon का एक साल का आई थिंक 1000 रुपये के आसपास है, और अगर आप वो लेते हैं तो आपको उसको WWE के कंपनीज के सारे प्रीमियम लाइव इवेंट देखने को मिलने वाला है। यानी कि अगर आप WWE कंपनी को देखना चाहते हैं तो आप Amazon Prime को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्यूचर में, बिकॉज लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार WWE कंपनी और Amazon Prime की डीलिंग हुई है, आपस में रिलेशन बना तो आपस में, और आई थिंक दोनों की पार्टनरशिप हुई है, और प्रोग्रामिंग को लेकर अब मुझे नहीं पता कि WWE कंपनी के रो, स्मैकडाउन उसमें आएंगे कि नहीं, लेकिन जितने भी प्रीमियम लाइव इवेंट्स हैं वो सारे के सारे आप Amazon Prime पर भी देख पाएंगे लाइव, बिल्कुल जैसे कि आप JioTV पर, DTH पर या सोनी लीव पर देखते हैं। लेकिन अभी चीज़ें वैलिड है US के लिए, लेकिन अब US में चीज़ें हो चुकी हैं, WWE कंपनी की Amazon के साथ रिलेशनशिप, पार्टनरशिप हो चुकी है, लेकिन अब इंडिया में कब तक आएगी वो देखना जरूर होगा, बिकॉज Amazon Prime इंडिया वो उस चीज़ को लेता है या नहीं वो देखना होगा। बट लेटेस्ट न्यूज इज कि Amazon और WWE कंपनी की जो है पार्टनरशिप हो चुकी है। अब देखते हैं कि WWE कंपनी के सारे PLEs इंडिया में Amazon पर कब शुरू होंगे आने, बिकॉज हर किसी के पास Amazon का सब्सक्रिप्शन है, हॉटस्टार का है, सोनी लीव का है, या किसी का भी है, लेकिन हर किसी के पास अपनी अपनी चीजें हैं देखने की, बिकॉज अगर आप JioTV पर देखते हैं WWE कंपनी के शो, यानी कि रो, स्मैकडाउन को, लेकिन आप उसको रिपीटेड नहीं दे सकते, आप उनको लाइव ही देखना पड़ेगा आपको। आप ऐसे नहीं कि आप एक घंटे का शो आपने मिस कर दिया तो आप बैक कर लोगे, लाइव ही चलेगा वो शो JioTV पर। सेम गोस टू DTH, अगर आपके पास DTH में रिकॉर्डर की सेटअप है तो आप उसको रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो आप बैक भी जा सकते हैं। बट मोबाइल डिवाइसेज की बात करें तो Amazon Prime वो चीज लेके आ रहा है जिससे आप WWE कंपनी के सारे PLEs लाइव देख पाएंगे और उनको रिवॉच भी कर सकते हैं बार बार। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप नेक्स्ट इवेंट रॉयल रंबल है, रॉयल रंबल आने वाला है 28-29 तारीख को, और मान लीजिए आप लाइव उसको देख रहे हैं लेकिन आप उसको रिवाइंड करना चाहते हैं तो आप JioTV पर नहीं कर सकते, वो कहीं अवेलेबल नहीं होगा इंटरनेट पर। लेकिन अगर आपके पास Amazon की सब्सक्रिप्शन है तो आप उसको रिवाइंड कर सकते हैं। लेकिन आप देखना होगी, बिकॉज इंडिया में ये चीज़ कब आती है, बिकॉज US के अंदर ये चीज़ आ चुकी है और Amazon Prime इंडिया शायद इस चीज़ को इंडिया में भी लेकर आए, बिकॉज WWE कंपनी अब इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, WWE कंपनी के शो इतने पॉपुलर हो चुके हैं, WWE कंपनी के सुपरस्टार इतने पॉपुलर हो चुके हैं, बिकॉज इंडिया में भी WWE कंपनी के सारे लाइव इवेंट्स हो चुके हैं। अभी देखना होगा कि WWE कंपनी किस तरह से अपने बिजनेस को इंडिया में और लॉन्ग लास्टिंग बनाएगी, किस तरह से और बेहतरीन बनाने वाली है। तो प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। राम राम, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं आप सभी वीडियो में, अपना ध्यान रखें। शुरू